देखिए शिमला गांव सही कहा आपने, बहुत बढ़िया हमारे कलायत विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक तौर पर परिपक्व गांव है। स्वर्गीय चौधरी इंदर सिंह शौकन ने 52 से लेकर के मृत्यु तक राजनीति की, शिमला उसमें रहा ना रहा लेकिन यहाँ के लोगों की टीम ही वहाँ काम करती रही। उसके बाद 89 में 35 साल पहले मुझे आशीर्वाद दिया लोगों ने, अब लगातार ये हमारा साथ देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आप देख रहे हो ये तो तूफान अभियान थोड़ा ही है। एक तरफा एक तरफा, क्योंकि जो हमारे सामने दूसरी पार्टियों के या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम्हें वोट क्यों, इसलिए कि 730 किसानों की सियादत देने में बीजेपी सरकार का साथ दिया। अभय चौटाला, दुष्यंत और दूसरे लोग ये तो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और आज इस इलाके में, इस गांव में तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा पानी की संकट है, नहरी पानी की। SYL रोकी है तो केजरीवाल की पार्टी रोक रही है, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, और हंसीपुर टाणा लिंक नहर में पंचर उन्होंने देते स्टे लिया हुआ है लोग दलवाड़ों को, ये तो शत्रु है हमारे इलाके के। जिस तरीके से कल आपने भाषण में कहा कि हुड्डा साहब इंजन है, चार घंटे काम करेंगे कलायत, किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से काम होगा, बढ़िया बढ़िया काम होगा। जुगर सब डिवीजन बना, कोई सोचा था कलायत सब डिवीजन बनेगा, कोई सोचा था कलायत में सब डिवीजन हॉस्पिटल बनेगा, कभी सोचा था कलायत में कि गवर्नमेंट कॉलेज बनेगा, ये सारे के सारे इस तरीके से बनावांगे, यूनिवर्सिटी सरकारी, बच्चों को रोजगार, क्योंकि आज रोजगार मुहैया नहीं करा रही सरकार, तो बहुत से ऐसे भी एक कॉलेज बनना है महाराणा प्रताप जी के नाम से। आपको क्या लगता है कि कलायत में अब अगर विकास विधायक बनते हैं तो सबसे पहले क्या काम करवाना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा, एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी, शिक्षा से ही इलाका तरक्की करता है, शिक्षा से ही इलाके का पिछड़ापन दूर होता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि विकास हो रहा, कोई मैनिफेस्टो कलायत को लेकर या अपना विजन जारी कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं? करण लाग रहे हैं कलायत के, तो हूँ इसीलिए तो काम कर रहा हूँ, ये तो हो रहे हैं जो मैं कुकुर 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 है।